हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और ये आज है धनतेरस, तो मैं निकली हूँ मार्केट करने के लिए, धनतेरस पे कुछ ख़रीदारी करने के लिए। उससे पहले मैं गई थी पार्लर में, तो यहाँ पे देखिए बहुत भीड़ हो रखी है इस टाइम पार्लर में। तो मतलब छोटे छोटे चीज़ के लिए भी लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे, एक थ्रेड के लिए भी कम से कम आधा घंटा या उससे भी ज़्यादा, पौन घंटे मान लीजिए तक वेट करना पड़ा। और एक थ्रेड का 40 रुपीज़ यहाँ पे प्राइस लिया है, 40। तो अच्छा था थ्रेड वगैरह भी, मतलब हो तो जाता है 5-10 मिनट में काम, लेकिन जब रश ज़्यादा होता ना तो फिर टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पे टाइम लग गया और मैं मेरा टाइम मतलब ख़राब हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। बट ये था कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ मुझे करीब करीब 1.5 घंटे के आसपास टाइम मेरा यहाँ पर लग गया। इसके बाद मैं मार्केट के लिए निकली धनतेरस पे कुछ ख़रीदारी करने के लिए। तो सोचा तो मैंने 2-4 चीज़ें ही सोची थी धनतेरस पे लेने के लिए, देखते हैं क्या क्या दिलाते हैं धनतेरस पे मुझे। तो प्रॉमिस तो करा था इन्होंने कि मैं ये दिलाऊंगा जो चीज़ें मेरे को चाहिए होती हैं। तो वो कहना कि इनके साथ जाके लाने का कुछ अलग ही वो रहता है, वरना अकेले जाके भी ख़रीद सकते हैं, बट जब दोनों साथ जाते हैं ना तो एक दूसरे की सलाह करके कुछ परचेस करते हैं तो फिर अच्छा लगता है। तो बस वही है, चलिए देखते हैं क्या दिलाते हैं मुझे धनतेरस पे। एवरीवन, सबको मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस। और आज धनतेरस आज भी मना रहे हैं, कुछ लोगों ने कल मनाई है, तो इस तरह से मतलब डिवाइड हो गया है। तो जिसको जैसा सही लग रहा है, सूटेबल लग रहा है, वैसे ही मना रहा है, क्योंकि ग्रहण भी पड़ रहे हैं। तो वही है जिस मतलब आज का तो है ही सही, तो मैंने भी आज का ही करा है। बाकी जो मटका भरते हैं ना पानी वानी का, वो मैंने कुछ नहीं भरा है, सिर्फ दिए लगा रही हूँ। और कुछ खरीदने गई थी बट कुछ खरीदा नहीं है। एक चाय छलनी आती है ना, जो अपन 3-4 का सेट होता है, वो मम्मी के लिए लेकर आई हूँ खाली में। और अभी तक तो इन्होंने मुझे कुछ दिलाया नहीं है, बोल रहे थे कल ले लेना। आज उनका कुछ माल वाल जाना था, तो उसकी गाड़ी वाड़ी नहीं आ रही थी, उसका थोड़ा टेंशन था। तो हम लोग वहाँ से जल्दी से आ गए, तो बस इतना ही है। तो मैं दीपक लगा देती हूँ, 5 दीपक लगाती हूँ मैं। और जो मिट्टी के दीपक होते हैं ना, वही जलाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने 5 दीपक को पानी में डाल के रख लिया था, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट भी रख सकते हैं, ताकि वो क्या पानी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है ना, तो फिर ऑयल पीते नहीं हो, दीपक अच्छे चलते हैं। तो मैंने वही पानी में डाल के रख दिया था, पानी में से निकाल लिया और अच्छे सूखे कपड़े से पोंछ लिया। अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, और ये जो बत्तियाँ होती है ना, रुई को मतलब फोल्ड करके बस अच्छे से हाथ से बना लेते हैं। और दो दो भी लगा सकते हैं, कुछ लोग 2 बत्तियाँ बना के लगाते हैं, और मैं तो सिंगल ही डालूंगी यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से इनको ऐसे रफ करके टाइट रगड़ते हैं ना, तो वो अपने आप ही लंबे वाले शेप में आ जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे, बस इस तरह से 5 दीपक मैं धनतेरस पे लगा लूँगी। तो 2 दीपक तो मैं रख दूँगी बालकनी में, और 3 दीपक मैं रख दूँगी गेट के पास। तो बस इतना ही है। और मार्केट का तो बता ही दिया मैंने आपसे कि कुछ लेने गई थी, तो कुछ भी नहीं दिलाया, क्योंकि इनका माल जाना था, उसका इनको इतना टेंशन था ना, तो मतलब बहुत भागम भाग में लेके गए और भागम भाग में ही लेकर वापस आए। फिर यूँ बोल रहे थे 2 दिन धनतेरस मनाते हैं ना, तो इस बार हर चीज़ डबल है, तो कि अपन कल मना लेंगे फिर। तो यूँ करके इन्होंने मेरे को बोला कि अभी चलो निकलते हैं यहाँ से, लेट हो रहा है। तो बस वहाँ से देखिए, मैंने किचन में दीपक को जलाया नहीं, क्योंकि काव्यांश बार बार आके वो देख रहा था। तो इधर गैस पाइप भी था, तो मैंने कहा बच्चे समझती नहीं, तो मैंने फिर इधर हॉल में जाके यहाँ पे रख के फिर यहाँ पे जलाया, क्योंकि बच्चे बहुत ध्यान देते हैं हर चीज़ पे कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसलिए गैस पाइप वगैरह भी था, तो मैंने कहा चलो उधर जलाते हैं, क्योंकि वो छेड़छाड़ थोड़ा करते ही रहते हैं, बच्चे तो होते हैं, कुछ ना कुछ आके छेड़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि कब वो पीछे से कुछ करके गए। तो फिर मैंने हॉल में सेफली इधर चला लिया है, और अब मैं लगा दूंगी गेट के बाहर।
और देखिए यहाँ पे भी दीपक जलाती है, काव्यांश मेरे आजू बाजू आ गया है। तो बस दीपक जलता है, कुछ भी होता है ना तो आसपास आके मधुमक्खी की तरह मंडराता रहता है उसमें दीपक में। कभी कुछ भी कागज़ वगैरह लगा देता है, कुछ भी करता है, तो उसको मैं समझाती हूँ बट फिर भी वो बच्चा ही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है उसका कि कुछ गलत ना हो, ध्यान खुद को देना पड़ता है क्योंकि अभी छोटा ही है। तो ये देखिए यहाँ मैं लगा दूँगी बालकनी में, और ये जला लिए मैंने दीपक, कितने प्यारे लगते हैं ना। कुछ भी कहिए, कितना भी सुंदर दीपक अपन लेकर आ जाएं, बट जो मिट्टी के दीपक जो पहले चलते थे ना, उनकी तो बात ही बहुत अलग होती है। उनकी मतलब एक अलग ही लुक होता है जो मिट्टी के दीपक में हम बनाते हैं और जलाते हैं दिवाली, बहुत सुंदर लगता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक भी वो चलता है। देखना, अक्सर ध्यान देना तो लंबे समय तक वो मिट्टी के दीपक चलते हैं, बहुत सुंदर भी लगते हैं। मतलब उनकी टक्कर में कोई नहीं ले सकता। जो आर्टिफिशियल दीपक वगैरह लेकर आते हैं ना, वो सम टाइम चलते हैं और उसके बाद वो बंद हो जाते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं गेट के यहाँ पर रख दूँगी और दो दीपक मैं बालकनी में रखे होंगी, क्योंकि अभी पाँच ही जला रही हूँ धनतेरस से। दिवाली वाले दिन तो फिर मैं कुछ मतलब ज़्यादा बना के जलाते हैं दीपक, ताकि पूरा घर जगमग जगमग करे। और सिरिंज वगैरह तो रखी थी पर इन्होंने चेक नहीं करी, टाइम भी नहीं मिल पाया, इनको भी माल वाल डालने की बहुत भागम भाग थी। तो सबसे पहले तो बिजनेस देखा जाता है ना, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर इन्होंने फिर सिरिंज पर इतना ध्यान नहीं दिया। सिरिंज थी, रखी हुई थी, उसको चेक करना था भाई कि वो सही है कि नहीं है बस, बट इनको उतना भी टाइम नहीं मिला। तो फिर मैंने भी मतलब कुछ बोला नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं हो पाया तो अपन ऐसे ही काम चला लेंगे दीपक लगा कर ही। ये देखिए दीपक लगा कर ही सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस इतना ही बोलती हूँ जब मेरा वीडियो स्टार्ट होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो बस यही फंडा है अपना, तो कुछ मैं ज़्यादा झगड़ा वगड़ा का काम नहीं है। ये देखिए आराम से यहाँ पर लगा दिए मैंने, और लवी यहाँ पे अपना कुछ DIY कर रही है, कुछ वर्क वगैरह या लर्न कर रही है, तो वो अपना काम कर रही है। और ये देखिए मैं आके लगी किचन के काम में, और थोड़ा सा मेरा मूड अपसेट है क्योंकि इन्होंने मेरे को पहले तो नहीं बोला कि मतलब माल वाल जाएगा या माल की गाड़ी आएगी जाएगी, कुछ भी नहीं बताया जब हम लोग यहाँ से निकले। अदरवाइज़ मैं अपना जो ये आज जाने का प्रोग्राम था ना, वो कैंसिल कर देती, मैं नेक्स्ट डे चली जाती। बट फिर वहाँ जाने के बाद इन्होंने बोला कि माल वाल भी डालना है, बहुत सारा पेंडिंग पड़ा है और ज़रूरी है डालना, तो फिर जल्दी जल्दी वहाँ से ही भाग आया मुझे लेकर। और कुछ नहीं दिलाया, बस एक चीज़ लेकर आई थी मैं, तो थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था बस, और तो कुछ भी नहीं है। और है ना, अब किचन में लगने के साथ ये था कि दाल मैं मॉर्निंग में ही बना के गई थी, तो दाल तो मेरी मॉर्निंग की बनी हुई रखी है, अभी देखा आपने साइड में गैस चूल्हे पे रखी हुई है। और जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा कुछ काम पेंडिंग भी छोड़ गई थी मैं, तो वही थोड़ा सा लग रहा था ना कि मेरे काम मेरा टाइम कुछ यूज़ में आ जाता, पर कोई बात नहीं, वही जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो और आज भी है ना पटाखे चला रहे हैं बहुत से लोग, और जो गन्ने बेचने वाले अंकल जी आते हैं ना, तो शाम के टाइम ही गन्ने वगैरह लेकर आएँ, मतलब कल पूजा रहेगी ना, तो इस वजह से मतलब कल तो ग्रहण पड़ेगा तो एक दिन बाद ही रहेगी, तो ये क्या बोलते हैं सब मतलब अपना अपना जो काम है टाइम से करने में लग रहे हैं, तो रात में तो आते नहीं है, तो गन्ने बेचने के लिए वो शाम को आए हैं कि जिसको चाहिए वो ले ले। और फिर ये होता है ना कि गेट पे एकदम गेट के आगे आ जाती हैं चीज़ें, तो फिर हम ले लेते हैं कि ठीक है चलो पैसे तो हमें कहीं पे भी देनी है, कुछ कोई इतनी मेहनत करके अगर आ गया तो फिर चलो उससे ले लेते हैं। तो बस गन्ने वाले अंकल जी आए तो ये लेकर आ जाएंगे, और यहाँ लगाऊंगी बाटी का आटा, बनाएंगे बाटी, क्योंकि दाल रखी हुई है तो बाटी अच्छी लगेगी। तो हमेशा हर बार तो मुझे कुछ ना कुछ दिला के ही लाते थे, बट इस बार तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिलाया, पता नहीं थोड़ा टेंशन में भी थे, बोल रहे थे बहुत सारा लोड है सर पे, बट एक चम्मच या कटोरी तो हम ले ही सकते थे, बट पता नहीं क्यों डाल दिया उन्होंने कि नहीं लेंगे हैं वैसे, पता नहीं क्या बोले और वापस आ गए। बस एक आटा चलनी होती, इसमें तीन चार चलनी होती ना, वो लाई हूँ मम्मी को, मतलब मेरी मदर इन लोगों को सासू माँ के लिए, तो वहाँ पे मैं उनको देकर आ गई। बट ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं गई और कुछ लेकर नहीं आई, बिल्कुल खाली हाथ आ गई, तो कुछ खरीदा ही नहीं मैंने धनतेरस पे। बाकी यूँ होता है ना कि कुछ ना कुछ तो लाना चाहिए शुभ करने के लिए, बाकी रहता तो है ही सही, ऑलमोस्ट सामान होते ही अपने घर में। वही है थोड़ा सा मेरा मूड और पता नहीं कैसा हो रहा है, मन भी ऐसा हो रहा है।
और अब डालूंगी थोड़े सौंफ, नमक ऑयल मैंने डाल दिया है। थोड़ी सी बाटी बना लेती हूँ क्योंकि दाल रखी हुई थी, तो बाटी फटाफट डाल दूंगी। और मैं मार्केट चली गई तो मेरा बहुत सारा भी काम पेंडिंग रह गया, बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह सब रह गई, तो मैं तो बेवजह ही गई एक तरह से। मेरा मानना है आज की, मेरा कुछ काम था नहीं, कुछ खरीदा नहीं, तो वहां जाके अपना टाइम ही वेस्ट करा। यहाँ बर्तन मैंने माँज लिए, अब इनको फटाफट से धो धो के मैं ऊपर रख लूँगी यहाँ पे गैस पट्टी पे। उसके बाद बालकनी में जो टब पड़ा है ना उसमें डाल दूँगी, क्योंकि उसमें मैंने छेद करे हुए हैं ना, तो उसमें से पानी ऑटोमेटिक निकल के नीचे वाली एक ट्रे है ना उसमें चला जाता है, तो सारे बर्तन सूखे हो जाते हैं। तो बर्तन मैं दिन में थोड़े तो कर गई थी, लेकिन थोड़े थोड़े करते हो ही जाते हैं, पता नहीं चलता ये बर्तन आते कहाँ से। पूरा सिंक साफ़ करके भी जाओ ना तो जब लौट के आते हैं तो पानी की ग्लास चाय वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल आते हैं। तो वही है, वापस से बर्तन बच्चों के प्लेट्स वगैरह हो गई थी, तो फिर क्लीन इनको कर ले रही हूँ यहाँ पे, और इसके बाद में बाटी डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने बाटी डाल दी है, सिकाई कर ली है थोड़ी थोड़ी सी इसमें, और बाकी है, बाकी अच्छे से कुक हो गई हैं बाटियाँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बाटी में घी लगाऊंगी ना उसको मैं यहाँ पे गरम कर रही हूँ, और बाटी को इसमें डिप कर करके बाहर निकाल दूँगी। और दोनों बच्चे कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, तो काव्यांश और लविशा हॉल में बैठ के अपना अपना वर्क डन कर रहे हैं, क्योंकि जो कोचिंग वगैरह जाते हैं ना तो उसका वर्क होता है, और स्कूल का कुछ असाइनमेंट वगैरह मिला था वो था, तो दोनों झगड़ा भी करते जाते हैं और अपना एक दूसरे का वर्क भी कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे घी बहुत ज़्यादा है, तो इसको निकाल के थोड़ा सा मैं, ये गर्म है ना ओवन, इस पर रख दूँगी, थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। और दोनों बच्चे यहाँ पर अपना अपना वर्क कर रहे हैं, साथ के साथ वो पेज फाड़ते, मतलब पढ़ लेते हैं, कुछ गलत सलत होता है ना तो पेज फाड़ देते हो, तो उसके लिए मैं इनको डांट रही हूँ काव्यांश को। तो यहाँ पे आके देखिए पीछे से मुझे हक कर रहा है और सॉरी बोल रहा है, प्यार कर लो ये वो मक्खन मार रहा है, बट मैंने मना किया था कि पेज मत फाड़ा करो बुक्स के, तो ये मेरी बात को सुनता नहीं है उस टाइम पे। बाद में आके मुझे देखो किस तरह से परेशान कर रहा है कि आपको पकड़ लूँगा, आपको काम नहीं करने दूँगा यहाँ पर। तो बस यही इसकी शरारतें चल रही हैं यहाँ पर, तो डांट भी रही हूँ पर वही है ना, बच्चे छोटे होते तब तक तो समझते नहीं हैं। तो देखिए मेरे को पीछे से खड़े हूँ तो पकड़ के खड़ा हुआ है कि आपको जाने नहीं दूंगा, आपका काम नहीं करने दूंगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना सा ही था, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और शेयर करिए, और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्लीज़ 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 मुझे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत मेहनत करके बनाती हूँ। मतलब पहले ऐसा लगता था जब बहुत ईजी है वीडियो बनाना, कुछ भी नहीं वीडियो बनाने में, तो बट जब आप बनाते हैं ना तो सच में रियलाइज़ होता है कि बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम देना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए भी। तो प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करिएगा मुझे। और यहाँ पे देखिए काव्यांश ने पेज वगैरह फाड़े तो उसके लिए थोड़ा सा डांट दिया है, तो कोई बात नहीं, कहते हैं कि बाद में बच्चे धीरे धीरे सुधर ही जाते हैं, इसलिए उनको पनिश करना तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पनिश ही करो, डांट के प्यार से समझा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी बाटियों को मैंने अच्छे से घी में डिप कर लिया है, और एक होता है ना जब हम नमकीन कुछ खाते हैं तो फिर साथ में मीठा खाने का भी मन करता है, तो यहाँ पे मैंने इनके लिए जो घी है ना जो जिसमें मैं बाटी डिप कर रही हूँ, इसी बाटी में चीनी डाल के थोड़ा सा उस बाटी को उसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो जब हम चीनी डालते हैं ना इसके अंदर, और थोड़ा सा चाहें तो घी और डाल सकते हैं, तो ये जो लड्डू बनाते हैं ना अपन, उसकी तरह से इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है बाटी और घी और चीनी का। तो बस मीठे में यही हो जाएगा यहाँ पे, देख लीजिए किस तरह से बनाऊँगी शॉर्टकट में। मैं यहाँ पे इसको डन कर देती हूँ, तो चलिए बस मुँह मीठा आप लोग भी कर लीजिए इससे, बाटी और चीनी से और घी से। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी मन करे वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।